हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन मेरे पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। ठीक है, तो मैं अगर निकाल रहा हूँ एफ ऑफ वन तो वन का स्क्वायर वन, एफ ऑफ टू टू का स्क्वायर फोर, f ऑफ थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, x वन से टू किया, जब x वन है तो वन वैल्यू है, अगर टू किया तो टू का स्क्वायर फोर और थ्री पुट करने से वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है नाइन। जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही हो तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर एक्स फोर निकालेंगे तो फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन आ जाएगा। अब देखो आगे ये वाला फंक्शन देखो, अगर मैं एफ ऑफ वन निकाल रहा हूँ तो एफ बाय वन वन आ गया, एफ ऑफ टू निकाल रहा हूँ तो वन बाय टू यानी पॉइंट फाइव आ गया, एफ ऑफ थ्री यानी वन बाय थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ गया। ठीक है, अब ऐसे फोर डालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास वन बाय फोर यानी जीरो पॉइंट टू फाइव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कम होती जा रही है। तो एक्स के बढ़ने से अगर फंक्शन कम हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तो ये होगा मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन, ये मेरे पास क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लो कि एक्स वन लेस देन है एक्स टू से, मतलब अगर कोई एलिमेंट एक्स वन एक्स टू से छोटा है, अब एफ ऑफ एक्स वन और उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी ऐसे ही होंगी, x1 less than x2 है तो f of x1 भी क्या less than होगा f of x2 से। ठीक है, जैसे ये देखो 1 2 से छोटा है तो 1 की फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 और 2 पर वैल्यू कितनी 4, तो f of 1 less than f of 2, ऐसे f of 2 is less than f of 3, f of 3 is less than f of 4। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन एट x1 छोटा होगा फंक्शन ऑफ एट x2 से, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक्स के बढ़ने से फंक्शन बढ़ रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो एक्स वन लेस देन एक्स टू मान लेते हैं, अब एफ ऑफ एक्स वन जो है वो एफ ऑफ एक्स टू से क्या आ रही है ग्रेटर आ रही है। ठीक है, जैसे वन की वैल्यू वन है और टू पर वैल्यू पॉइंट फाइव है, तो वन टू से छोटा है पर एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू से बड़ी है, ऐसे एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री से बड़ी है, एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर से बड़ी है। अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू है और फंक्शन एट एक्स वन ग्रेटर है फंक्शन एट एक्स टू है तो उसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डेफिनेशन होगी डिक्रीजिंग फंक्शन की। एक और बात, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वहाँ पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा लेस देन जीरो होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा पैराबोला की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हमने समझ लिया कि यह क्या मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे हम एक्स इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हैं वाई की वैल्यू क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, तो ये हमें लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से अगर रीड करें जीरो से लेकर आगे चले तो ये फंक्शन क्या बन रहा है इंक्रीजिंग बन रहा है। अब पीछे देखें नेगेटिव नंबर के ऊपर देखते हैं, अगर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर मान लो माइनस का थ्री तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा नाइन, अब मैं पुट कर रहा हूँ माइनस का टू तो माइनस टू का स्क्वायर पुट कर रहा हूँ फोर, फिर माइनस का वन तो ये हो गया माइनस वन का स्क्वायर इनकी वन। अब देखो हुआ क्या, जैसे हम इसके अंदर पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं यानी जीरो से आगे वाले नंबर पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन बिहेव कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह। ठीक है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, बट अगर हम इसको लेके चलेंगे नेगेटिव की तरफ तो माइनस थ्री पुट करने से वैल्यू आई नाइन, माइनस टू पुट करने से वैल्यू आई फोर और माइनस वन पुट करने से वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है वन आ रही है। अब इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव टर्म्स पुट कर रहा हूँ, माइनस थ्री छोटी वैल्यू है उससे थोड़ी इंक्रीज की माइनस टू, तो फंक्शन क्या आ गया डिक्रीज हो गया, माइनस थ्री पर वैल्यू आई नाइन पर माइनस टू पर वैल्यू कितनी आई फोर, तो फंक्शन क्या हो गया डिक्रीज। ऐसे देखते हैं माइनस थ्री जो है माइनस टू से छोटा है पर एफ ओ माइनस थ्री ग्रेटर देन हो गया एफ ओ माइनस टू, तो ये किसकी डेफिनेशन है डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है।
इसका मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर जीरो है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, और माइनस ट्वेंटी से जीरो तक नेगेटिव नंबर के पीछे वो क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके ऊपर वो ना इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसके आगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके पीछे डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ ये एक फंक्शन दे देंगे, बताएं पूछेंगे कि ये किस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर डिक्रीज करेगा। जिस इंटरवल पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां वो डिक्रीज करेगा। देखो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव होता है इसका 2x, ठीक है। अब हम अगर जीरो से इन्फिनिटी कोई नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंटरवल लूंगा, यहां से कोई भी वैल्यू लूंगा नेगेटिव आएगी, तो डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, इसका फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा, ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद हम कुछ सम करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने इंटरवल फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें पता है अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर, वो इंटरवल, उस इंटरवल पर फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। अगर किसी इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस इंटरवल के दौरान फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब फंक्शन का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ पर बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। जहाँ पर आपका डेरिवेटिव जीरो होता है उसके पीछे और आगे वो चेंज करता है, तो उसका मतलब हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 9x² + 12x + 15, तो इंटरवल फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, 2x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 6x², 9x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x, ये 12 ऐसे आ जाएगा, 15 का डेरिवेटिव 0। अब अगर सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव करो उसके बाद उसको फैक्टराइज कर दो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये हो गया 6, ये 18, ये 12, तो 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x² - 3x + 2। अब तो मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -3, तो ये फैक्टर बन रहा है x² - 2x - 1x + 2, तो ये हो गया 6। यहाँ से x कॉमन निकालो x - 2, यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो x - 2, तो ये हो गया 6x - 2x - 1, ये मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है, आपके पास जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद उसको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बना लिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव को आपने क्या करना है, जीरो पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 6x - 2x - 1 = 0, x - 2 जीरो आ गया और x - 1 भी जीरो आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 1 आ गई। अब एक बात समझो, आपने पहले डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को फैक्टराइज किया, फिर डेरिवेटिव को जीरो पुट किया, वहां से x की दो वैल्यू आ गई, 2 और 1। अब ये 2 और 1 क्या है, जो भी इसका ग्राफ बनता होगा वहां पर 2 पर फंक्शन डेरिवेटिव जीरो होता है और 1 पर डेरिवेटिव जीरो होता है, यहां पर ना इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके आगे पीछे वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ठीक है। इसको समझना कैसे, आपके पास एक नंबर लाइन है -20 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो -20 से इन्फिनिटी नंबर लाइन है, आपके पास दो पॉइंट है, एक तो आ गया x2, एक आ गया x1, ग्राफिकल प्लॉट करो उसको, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा मेरे पास 2। अब इन दो पॉइंट ने पूरे इंटरवल्स को -20 से इन्फिनिटी तक को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, पहला इंटरवल ये आ गया, ये आ गया दूसरा इंटरवल, ये मेरे पास आ गया तीसरा इंटरवल। तो पहला इंटरवल आ गया -20 से 1, दूसरा आ गया 1 से 2, फिर तीसरा आ गया 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू डिवाइड माइनस इंटू 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 थ्री इंटरवल्स, तीन इंटरवल्स में इसने इसको बांट दिया है, कौन कौन से, माइनस इंफिनिटी टू वन, वन टू टू और टू टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इन तीन इंटरवल्स के ऊपर मैंने फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे ऑन माइनस इंफिनिटी टू वन, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी टू वन, माइनस इंफिनिटी टू वन मतलब वन इंक्लूड नहीं होगा, वन से पीछे वाला कोई नंबर, वन से पीछे वाला कोई भी ले सकते हो, माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स में जीरो भी ले सकता हूँ। यहाँ फिल करके आपने देखना है, एक्चुअल फिल नहीं करना, सिर्फ आपने अपने दिमाग में देखना है कि साइन कौन सा आएगा, एफ डैश एक्स। अब देखो अगर आप जीरो पुट करते हो, जीरो माइनस टू तो क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव मल्टीप्लाई जीरो माइनस वन, यानी कि नेगेटिव, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब माइनस इंफिनिटी टू वन, एफ डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से वन तक कोई कोई भी पॉइंट फिल करो, मैंने जीरो किया माइनस वन करो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू, दोनों नेगेटिव, हमने सिर्फ साइन लेने हैं, तो साइन हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब एफ, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या आ गया मेरे पास, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल चेक करेंगे, ऑन इंटरवल वन टू टू, ठीक है जी, डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, अब वन टू टू पॉइंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, वन से टू 1.5, तो 1.5 माइनस टू, तो देखो करने की जरूरत नहीं होती, अगर 1.5 और 2, 2 बड़ा है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, 1.5 माइनस वन तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो 1.5 ये तो नेगेटिव हो गया, 1.5 माइनस वन कितना हो गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव मिलेगा। तो 1 से 2 एफ डैश एक्स क्या मिला मेरे पास, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब 2 से इन्फिनिटी, जब हम 2 से इन्फिनिटी जाएंगे डेरिवेटिव क्या क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ा नंबर कोई भी, अब कोई भी बड़ा नंबर, यहाँ 3, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये तो सीधा ही मेरे पास पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है वो माइनस इंफिनिटी टू 1 इंक्रीज कर रहा है, 1 टू 2 डिक्रीज कर रहा है, 2 टू इन्फिनिटी फिर से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको आंसर लिखना हो लास्ट में आपने, ये तो आप डिक्रीज लिख ही रहे हो, तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, जब भी हम दो इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है तो उसको यूनियन में लिख देंगे, ठीक है। अब पूरे प्रोसेस को फिर से समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल पूछे जाते हैं किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस में डिक्रीज करेगा, उसका तरीका क्या है, फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कर दिया जी, अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, अगर लीनियर में तो सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, फिर डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में उसको लोकेट किया, वन टू टू, अब उसने तीन इंटरवल बना दिए, माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन टू टू और टू से इन्फिनिटी, ये इंटरवल पर चेक किया, फिर वन टू टू पर चेक किया, फिर टू से इन्फिनिटी पर चेक किया, ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव आया वो इंक्रीजिंग, जहाँ पर नेगेटिव आया वो डिक्रीजिंग, तो ये हो गया मेरे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स हमें दिया है 30 माइनस 24 एक्स प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब, तो सॉल्यूशन वैसे ही, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, कर दिया जी, उसके बाद उसको फैक्टराइज करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव 6 है तो उसको कॉमन निकाल लिया, माइनस 6, तो ये अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, प्लस माइनस करके 5 चाहिए, तो 1 और 4 फैक्टर बन गए, ठीक है, आप खुद कर लोगे इसको,
तो डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू वन आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, फोर आ गई है। ठीक है, यहाँ तक सेम है, डेरिवेटिव किया, फैक्टराइज किया, जीरो पुट किया। अब नंबर लाइन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पर एक वैल्यू वन अड़ा दी, एक वैल्यू फोर। अब माइनस इन्फिनिटी से वन और वन से फोर और फोर से इन्फिनिटी, तीन इंटरवल बन गए मेरे पास। पहले इंटरवल को चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन से पीछे का नंबर बहुत आसान है जीरो, आप जीरो ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो आपने ध्यान देना है, यहाँ नेगेटिव साइन है माइनस का सिक्स, तो ये नेगेटिव पहले से आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अब जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन क्या हमें देगा, नेगेटिव देगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव। फिर जीरो माइनस फोर, ये भी हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा जी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक माइनस ट्वेंटी से वन डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया, नेगेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब वन से फोर, वन से फोर चलते हैं, डेरिवेटिव क्या आएगा, वन से फोर यानी कि कोई भी नंबर ले लो टू, तो ये नेगेटिव पहले से लिख लो कि बाहर है, टू माइनस वन पॉजिटिव। अब टू माइनस फोर, टू माइनस फोर क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पर फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब लास्ट ऑन फोर टू इन्फिनिटी, फोर टू इन्फिनिटी, अब फोर से बड़ा नंबर, कोई भी नंबर ले लो फाइव, तो फाइव माइनस वन पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, यानी कि ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव मटेरियल होगा, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से वन और फोर से इन्फिनिटी में, ये माइनस इन्फिनिटी से वन और फोर से इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और वन से फोर तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।